अथाष्टनागराजानां सिद्धिसाधनमुच्यते परिषन्मण्डलं नत्वा क्रोधराजं सुरेश्वरम्। अर्थात सुरेश्वर भगवान नागराज को नमस्कार करने के पश्चात में नाग मंत्रों का विशेष रूप से महत्व भगवान शंकर ने बताया है, जो कि अलग अलग प्रकार के मुख्य रूप से 8 नाग माने जाते हैं, जिनकी उपासना की जानी अति आवश्यक है और उनके द्वारा मनुष्य हर प्रकार के मनोवांछित द्रव्य, रसायन और अनेक विद्याएं, सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि बड़ी ही गोपनीय और विशेष कर एक ताकतवर तंत्र साधना मानी जाती है, जिससे कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि नाग पंचमी के दिन रात्रि काल में जागृत करके सिद्ध किया जाता है। गत्वा तु नाग भुवनम लक्ष्यमेकम जपेन्मनुम तुष्टा भवन्ति नागिन्यो यनया पूर्व सेवया गत्वा नाग भूम शुक्ल पंचम्याम दापयेत बलिम यथोक्त गंध पुष्पाधे पूजयित्वा जपच्चरेत। अर्थात नाग के या विशेष रूप से किसी नाग के कोटर के समीप या किसी एकांत स्थान के शिव मंदिर में जाकर के पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर के नाग मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। और शुक्ल पक्षीय पंचमी तिथि में नागलोक में यानी कि नाग देवता के जो कि कोटर होता है, बिल होता है, उसके आसपास बैठ करके ही इस मंत्र का जप किया जाता है और अन्यथा किसी विशेष रूप से देवालय में यह जप किया जा सकता है। और इसके साथ में नाग देवता के हिसाब से गंध पुष्प इत्यादि की प्रदान करें और उसके अलावा विशेष रूप से सात्विक बलि नारियल की प्रदान कर सकते हैं। तत्पश्चात दूधार्धिक अर्थात दूध का अर्घ्य दे करके उनका स्वागत सत्कार करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए और ऐसा करने से नाग संतुष्ट होकर के अपने साधक की संपूर्ण इच्छा को पूर्ण करता है। साधक को किसी भी प्रकार का ताउम्र, किसी प्रकार के विष का भय नहीं रह सकता है, उसके शरीर पर विष का प्रयोग असफल हो जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और उसके समस्त शत्रुओं का नाश होता है और हर प्रकार के दुष्ट ग्रह पीड़ा बाड़ा दूर हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा ही गोपनीय और रहस्यमयी तंत्र साधना मानी जाती है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम हुम वासुकी मुखी शंखिनी स्वाहा। यह विशेष रूप से नाग का मंत्र है और नाग देवता को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र माना जाता है। इस मंत्र की सहायता से हम किसी भी प्रकार की सिद्धि को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते एकांत स्थान में एकाग्रचित होकर के इस मंत्र का जप किया जाना आवश्यक है। जो लोग नाग के कोटर बिल के पास में इस मंत्र का जप करते हैं और इस मंत्र का जो व्यक्ति सवालाक्त अनुष्ठान कर लेता है, उसे विशेष रूप से नाग देवता के दर्शन होते हैं और वे उससे वरदान मांगने को कहते हैं। तत्पश्चात व्यक्ति को चाहिए कि वह चंदन मिश्रित जल का अर्घ्य उनको प्रदान करे। तत्पश्चात जो भी अपनी कामना हो वह उनको कह दे तो विशेष रूप से वह कामना नाग देवता पूर्ण कर देते हैं और हर जगह उस व्यक्ति की जीत होती है और विशेष रूप से लोक पूजनीय वो व्यक्ति बन जाता है, ऐसा देवताओं ने कहा है। इसलिए गोपनीय साधना अवश्य हमें करनी चाहिए और विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन ये साधना आरंभ करने से सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।